दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल देखो हिंदी न्यूज़ में। दोस्तों अगर आपने भी अपना पैसा सहारा इंडिया में निवेश किए थे और दोस्तों आप लोग उस पैसे को निकालने के लिए आप सहारा इंडिया पोर्टल पर आकर के ऑनलाइन क्लेम कर दिए हैं तो फिर दोस्तों यहां पर आपका पैसा मिलना मुश्किल लग रहा है। और अब यहाँ पर बताया जा रहा है जिनका भी पैसा सहारा के सोसाइटी में जमा था और वो क्लेम कर दिए हैं तो फिर दोस्तों उनका मैच्योरिटी डेट भी पूरा होना चाहिए। अगर दोस्तों मान लीजिए आपका पैसा मिलने का जो डेट था वो 2024 का था या फिर 2025 का था और आप यहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं तो फिर दोस्तों आपका पैसा यहाँ पर मिलना मुश्किल लग रहा है। अगर दोस्तों आपके पास एक से ज़्यादा बॉन्ड था, मान लीजिए 5-6 बॉन्ड था या फिर 10 था, उसमें से दोस्तों आपके 3 बॉन्ड का मैच्योरिटी डेट पूरा हो गया है, बाकी का यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है, तो फिर दोस्तों जिनका मैच्योरिटी डेट पूरा हो गया है उनका पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसी के बारे में आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों को सहारा इंडिया से रिलेटेड नई नई अपडेट जो है वो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, आप लोग सहारा इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। इस वेबसाइट का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट इस साइट पर आ सकते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए आप सभी लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा मेन्यू बार, आपको एक ऑप्शन दिखेगा जमाकर्ता, आप सभी को उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को आधार कार्ड का लास्ट 4 अंक डालना है, उसके बाद जो नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा उसे डालना है। ये सब कुछ डालने के बाद ओटीपी प्राप्त करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त होगी, उस ओटीपी को यहाँ पर डालकर सत्यापित कर लीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आप लोग सत्यापित कर लेंगे उसके बाद आपका यहाँ पर स्टेटस शो करेगा। यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को देखना है कि आप लोग कितना बॉन्ड अप्लाई किए थे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका स्टेटस अंडर प्रोसेसिंग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब आपका अंडर प्रोसेसिंग लिखा आ रहा होगा तो इसका मतलब आपका पैसा 100% मिलेगा, मैच्योरिटी डेट पूरा हो या ना हो इसे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एजेंट के द्वारा बताया जा रहा है, जिनका भी मैच्योरिटी डेट पूरा है उन्हीं को सिर्फ पैसा मिलेगा, लेकिन दोस्तों इस बात में कहीं भी सच्चाई नहीं है क्योंकि CRCS सहारा इंडिया पोर्टल पर नहीं बताया गया है कि जिनका मैच्योरिटी डेट पूरा हुआ है सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे और उन्हीं लोगों को पैसा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी कहीं पे नहीं बताया गया है। सिर्फ ऐसा सहारा इंडिया के एजेंट के द्वारा बताया जा रहा है, जो लोग अपने गांव में अपने एजेंट से बात कर रहे हैं उनको एजेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि जिसका बॉन्ड का मैच्योरिटी पूरा हो गया है सिर्फ वही लोग क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया है कि आपका जितना भी बॉन्ड है सभी को एक साथ ही अप्लाई करना है, अगर आप लोगों का एक भी बॉन्ड छूट जाता है तो फिर दोस्तों आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं बाद में, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक बार ही रजिस्टर करा सकते हैं और एक बार में ही सारा बॉन्ड अप्लाई करना है। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आप लोग सहारा के एजेंटों की बातों में मत आइए, आप लोग सहारा इंडिया के पोर्टल में आकर के देखिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर साफ क्लियर हो गया है कि आपका मैच्योरिटी डेट पूरा होगा या ना होगा, अगर आपका अंडर प्रोसेसिंग में है तो भी आप सभी लोगों का पैसा जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।